जी बच्चों, अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 की वेस्पर पूरी खत्म करने के बाद एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम है वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आइए बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको आप वीपीटी भी कहते हैं, इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, साथ साथ प्लीज नोट करते जाइएगा। तो आइए वीपीटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन हो जाने के बाद क्या जरूरत पेश आई हमें वीपीटी पेश करने की। जब हमारे पास एक वेस्पर थ्योरी मौजूद है जिससे मॉलिक्यूल की शेप आसानी मालूम कर सकते हैं, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि हमें एक नई थ्योरी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो पेश करें। पहली बात तो ये कि वेस्पर थ्योरी जो है ना, अगर हम वेस्पर थ्योरी की बात करें, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात करें, तो वेस्पर थ्योरी ना ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। दैट इज वेरी गुड साइन फॉर अस। वेस्पर थ्योरी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है, लेकिन इट does not explain, but it does not explain the reason of formation of covalent bond. जी बेटा, that was a failure of Vesper theory. Vesper theory का एक बहुत बड़ा failure था, और वो failure ये था कि Vesper theory रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन नहीं करता कि आखिर कोवलेंट बॉन्ड बना क्यों या बनता क्यों है। दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये बहुत जरूरी मसला था, क्योंकि वेस्पर थ्योरी से हमें ये बात तो पता चल रही थी कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लेकिन हमें रीजन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं पता चलता। कहीं पर भी ये बात नहीं आई वेस्पर में कि इस वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बात समझ आई? तो शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल तो हम एक्सप्लेन कर पाए वेस्पर से, पर रीजन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो इसका मतलब जो वीपीटी थी या जो वीपीटी है उसकी जरूरत हमें पेश आई, क्योंकि वीपीटी के दोहरे फायदे हुए। ना सिर्फ ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती थी, बल्कि इट आल्सो एक्सप्लेन द रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजन को भी एक्सप्लेन करती है। जी, जो वीपीटी है वो ना सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है, बल्कि रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करती है। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? अब आइए देखते हैं कि किस तरह से रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ये एक्सप्लेन करती है। हमारे पास केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एक थ्योरी है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। ये हमारे पास एक थ्योरी जिसको आप क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच भी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच भी है, ठीक है। इस थ्योरी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट्स को अनफोल्ड किया, यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी है। रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी वीबीटी बेसिकली डिपेंड करती है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच पर। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से ही आइडिया एक्सट्रैक्ट किया है वीबीटी ने और बताया है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बेसिकली रीजन क्या है। अच्छा, अब सुनिएगा, हमने तो पढ़ा है, मिसाल के तौर पर मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेता हूं H2, तो हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है कि दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आने के बाद
एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले आता है, दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले आता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपना अपना म्यूचुअली शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है, और जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दोनों एटम्स के दरमियान एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मार्जिन वजूद में आ जाता है। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फिर थ्योरीज पे थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं? और भाई ये जितना नजर आ रहा है ना आसान, इट इज नॉट एज इजी एज इट इज यू नो बीइंग सीन। ये इतना आसान नहीं है। ये तो पता चल गया कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आया, लेकिन इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। आइए इसको समझते हैं। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच ये कहती है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब भी तो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो म्यूचुअली शेयर करते हैं, दैट इज ट्रूथ, बट एक्चुअली दोनों एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में करते हैं ओवरलैप। आपस में क्या करते हैं बेटा? पहले तो इसको समझो, बल्कि पहले इसको याद करो कि जनाब दो एटम्स जब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जब उनके इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड बनता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अच्छा, जब सबसे पहला तो सवाल ये हुआ कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता क्या, आपने पढ़ा होगा आपके पास ना एस पी डी एंड एफ, चार ऑर्बिटल्स हैं, चार ही। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अगर एक हो तो वो हाफ फिल्ड है। पी में कितने होते हैं मैक्सिमम? सिक्स। अगर तीन हो तो वो क्या है? डी में मैक्सिमम कितने होते हैं? टेन। तो अगर फाइव हो हाफ फिल्ड है। अगर एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है? 14। अगर सेवन हो तो वो क्या होगा? हाफ फिल्ड। बात फॉलो कर रहे हो? हाफ फिल्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के ऑर्बिटल में जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनकी हाफ तादाद, उनकी हाफ तादाद। तो अगर हाफ तादाद किसी ऑर्बिटल में मौजूद हो तो आप उसे क्या कहोगे? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो अब वेस्पर वीपीटी कहती है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग। ये आपस में क्या करते हैं? जिसके नतीजे में क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। जिसके नतीजे में क्या बनता है? क्लियर रही बात? अच्छा, अब ये तो पता चला कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। अब मैं ये कहता हूं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये किस चीज पे डिपेंड करती है? ये बड़ा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि स्ट्रेंथ यानी कोवलेंट बॉन्ड की मजबूती किस चीज पे डिपेंड करती है। कोवलेंट बॉन्ड की मजबूती डिपेंड करती है एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग पर, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, एरिया ऑफ मतलब जितना ज्यादा एरिया ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होगा, जितना ज्यादा एरिया ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होगा वो कोवलेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड उतना ही strong. जितना ज्यादा एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इन्वॉल्व होगा उतना ही वो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये पता चल गया, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है ये पता चल गया। अब जो पता चलाना है वो ये है कि व्हाट इज द पैटर्न, पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग,
ओवरलैपिंग का पैटर्न क्या है, ओवरलैपिंग का पैटर्न क्या है। याद रह जाए आपको ये बात कि जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो दो तरह की होती है। नंबर वन, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, नंबर टू साइड वेज ओवरलैपिंग। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, साइड वेज ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग एंड साइड वेज ओवरलैपिंग। अब ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग क्या है इसको भी हम इस पीपीटी में तफसील से पढ़ेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग क्या है इसको भी तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी कि जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी ना तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ आपके सामने। जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा बनेगा पाई बॉन्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। अब ये देखो फिर सिग्मा है उसको आप ऐसे जाहिर करते हो और जो पाई है उसको आप ऐसे जाहिर करते हो, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा, पाई बॉन्ड भी बनेगा। और पीपीटी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनता है और किस तरह से पाई बॉन्ड बनता है। एनी प्रॉब्लम इन इट?